For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. Mera naam Dr. Shakib Qureshi hai. Main ek senior consultant rheumatologist hoon aur American board certified hoon rheumatology mein aur internal medicine mein. Aur apni zindagi ka beshtar arsa USA mein teaching mein aur academics mein aur clinical care mein guzarne ke baad ab Pakistan mein apni practice start kar raha hoon. तो मरम के फोरम से मैंने डिफरेंट टॉपिक्स इससे पहले भी डिस्कस किए हैं और आज मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा एक बड़े अहम टॉपिक की तरफ जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. और ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए अहम है क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है. उसकी वजह यह है कि एक साइलेंट डिजीज़ है, एक साइलेंट प्रोसेस है जो आपके जिस्म में हो रहा होता है और आपको पता नहीं होता. जिस तरह के ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट डिजीज़ है जो कि ख़ुद से इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन अगर उसे ट्रीट ना करें तो आपको वो हार्ट डिज़ीज़ या स्ट्रोक दे सकती है. इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस ख़ुद से पेनफुल प्रोसेस नहीं है, इसके कोई सिम्टम नहीं है, दर्दें वगैरह, लेकिन ये हड्डियों का कमज़ोर होना, उनका भुरभुरा होना होता है जिसकी एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आपको आपका रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बहुत हाई होता है, यानी कि आपकी हड्डी टूटने का खदशा बहुत हाई होता है विद मिनिमल इंजरी. यानी कि आपको कई लोग ऐसे होते हैं कि खाली गमला उठा रहे हैं और उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, या वो बहुत ज़्यादा उनमें स्नीजिंग एपिसोड हुए यानी कि छींकों का कोई उन पर दौरा पड़ा और उनकी हड्डी, कमर की हड्डी चटक सकती है. तो इस डिज़ीज़ को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. तो आप ज़ाहिर पूछेंगे कि फिर हमें पता कैसे चले कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है. तो इसके वाकई सिम्टम्स नहीं हैं. आपने सिर्फ ये, आपको उन लोगों में ख़बरदार होना है जो कि इसका रिस्क रखते हैं. तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये ख़तरनाक हो सकता है? ये उन लोगों में आपने डेफिनेटली रूल आउट करना है कि जो इसका डायरेक्ट ताल्लुक पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में है, यानी कि वो ख्वातीन जिनमें पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि माहवारी आनी ख़त्म हो गई है ख़ास एज के बाद, या उनमें माहवारी आनी इसलिए भी ख़त्म हो गई है कि उनकी ओवरीज रिमूव हो गई थी किसी भी बीमारी की वजह से, उन ख्वातीन में स्पेशली आपको ये रिस्क असेसमेंट करनी बहुत अहम है. उसके अलावा कौन लोग इसके लिए किन लोगों को फ़िक्र करना चाहिए? वो लोग जो ख़ास किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसे स्टेरॉइड्स भी कहते हैं, या वो थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं, या वो मिर्गी की दवाइयाँ ले रहे हैं, या उनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर हाई है, या वो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, या वो डायबिटिक्स हैं, या वो थायराइड का इशू है उनको, या उनकी पर्सनल हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर भी है. तो ऑस्टियोपोरोसिस की कॉमन वजूहात क्या हो सकती हैं? जब भी हमने ऑस्टियोपोरोसिस को असेस करना होता है, जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है, तो हम ये पहले असेस करते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस प्राइमरी है या सेकेंडरी है. प्राइमरी का मतलब है कि वो जो मैंने आपको टिपिकल फीमेल बताई थी पोस्ट मेनोपॉजल, या कि सेकेंडरी है. सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि उसकी कोई और रीज़न भी हो सकती है जिसको हम तशखीस करके उसको ट्रीट कर सकते हैं. यानी कि चंद कॉमन कॉजेज हैं थायराइड ग्लैंड का ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना या अंडर एक्टिव होना, या आपको थायराइड की मेडिसिन पे होना, उसके अलावा सीजर की मेडिसिन पे होना, या आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की एबनॉर्मैलिटी का होना, पैराथायराइड हार्मोन की एबनॉर्मैलिटी का होना, या चंद केसेस में आप के अंदर कुछ बोन कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, या किडनी डिजीज़ भी हो सकती है. तो जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो उसके अंदर हम ये तमाम टेस्टिंग करते हैं. पहले CBC करते हैं, यानी कि हम उसका मेक श्योर करते हैं कि ख़ास कोई एनीमिया तो नहीं चल रहा, उसका कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक प्रोफाइल कराते हैं ताकि हम ये चेक करें कि कोई किडनी डिजीज़ या शुगर का इशू तो नहीं चल रहा. उसके अलावा हम उसका थायराइड का चेक करते हैं, उसका पैराथायराइड का चेक करते हैं, उसका यूरिन चेक करते हैं, और कुछ ऐसे टेस्ट भी करते हैं कि जिससे हमें ये पता चल सके कि कोई ख़ास किस्म का बोन कैंसर वगैरह तो नहीं चल रहा. तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए? अब मैंने आपको जो पहले पोर्शन में बताया था कि जो जो रिस्क हैं या कॉजेज हैं, अगर आपको लगता है कि वो आप में हैं, तो हम डेफिनेटली पहले तो आपके वो ब्लड टेस्ट करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, और अगर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी रिप्लेस करेंगे वगैरह वगैरह. लेकिन इसका जो मेन डायग्नोसिस है उसको टेस्ट को कहते हैं बोन डेंसिटी टेस्ट, जिसे डेक्सा स्कैन भी कहते हैं.
ये कुछ बहुत हाई टेक किस्म का MRI या CT स्कैन नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मशीन है जिससे आपके चंद ऐसे इमेजेस लिए जाएंगे, जिससे कुछ नंबर्स क्रिएट किए जाएंगे, जिससे हमें आइडिया हो कि आपको किस दर्जे की बोन लॉस है, और उस दर्जे की बोन लॉस को कैलकुलेट करने के हमारे पास स्पेशल तरीके भी होते हैं, जिससे हम आपकी रिस्क फैक्टर असेसमेंट करते हैं कि क्या आपको खाली कैल्शियम विटामिन डी दी जाए या प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ट्रीटमेंट डिस्कस करना चाहूँगा, यानी कि एक दफ़ा आपने डायग्नोसिस तो बना लिया, आपने कन्फर्म कर लिया कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो हमने उसकी पहले तो सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट करके उनको ट्रीट करना है, अगर कोई कैल्शियम विटामिन डी की कमी है तो वो पूरी करनी है, और उसके अलावा अगर वो सारी चीज़ें होने के बाद हमें लगता है कि नहीं इसको फर्दर ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, तो बहुत देर से इस बीमारी के लिए ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट या एक अच्छा स्पेशलिस्ट आपको बता सकता है कि उनको किस तरह लेना है और कितनी देर तक लेना है। और जब एक दफ़ा हमने ये डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर लिया है या आपको लगता है कि आपने ये इसके मुतालिक अपनी बीमारी की तशखीस करनी है, तो आप मरहम से कांटेक्ट करें ताकि वो आपको हमारी तरफ रेफ़र कर सकें, ताकि हम आपका प्रॉपर इलाज कर सकें।